आपका स्वागत है मधु की रसोई में। नमस्कार, आज मधु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं आटे पालक का चीला। लगने वाली सामग्री है बारीक कटा पालक, आटा, नमक, हल्दी, मिर्च और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और अजवाइन, गरम मसाला और चुटकी भर हींग, और तलने के लिए सरसों का तेल। सरसों का तेल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे स्वाद अच्छा होता है। सबसे पहले हम बारीक कटा हुआ पालक लेंगे, उसमें चुटकी भर हींग डाल देना है, फिर आटा डाल देना है। आटा हम ज़्यादा नहीं लेंगे, आधा आधी कटोरी लेंगे। एक कटोरी अगर हम पालक लेते हैं, नमक आधा चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच या एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच गरम मसाला। अब इन सबको हम अच्छे से मिला के फिर इसमें हल्का हल्का पानी डाल के फिर इसका हम घोल तैयार करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे मैश करते हुए हाथ से ही, फिर हम थोड़ा सा आटे में मिलाएंगे, फिर पानी। साथ में मैश भी करते हैं। ऐसे हमने मिलाना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इतना सा रखना है जैसे पकोड़े के लिए रखते हैं। तवा रखेंगे और सरसों का तेल का एक चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से गर्म कर देंगे ताकि सरसों का तेल पक जाए। तवा गरम हो चुका है, तेल भी गरम हो गया, पक गया है। अब इसमें हम इसको जो बनाया हुआ जो आटे पालक का चीले का जो पेस्ट है वो हम अच्छे से रख देंगे मिश्रण को और फैला देंगे पतला पतला। थोड़ा पानी लेंगे, उसमें हाथ गीला करेंगे और उसकी मदद से हम इसको आराम आराम से फैलाएंगे जिससे वो हाथ में चिपके ना। अब एक तरफ से हमारा पक गया है, ऊपर ऐसे तेल लगा के पलटने से पहले हमने ऐसे तेल ऊपर से डालना है, उसके बाद पलट देना है। अरे दूसरी तरफ से भी पक चुका है, अब फिर से थोड़ा हम और पकाएंगे दूसरी तरफ से। ये हमारा आटा पालक चीला बनके तैयार है। टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। गर्मा गर्म आटे पालक का चीला तैयार है और टोमेटो सॉस के साथ खाइए।